गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक संघ के एमएलसी पद के सपा उम्मीदवार के पक्ष में मंगलवार को गोरखपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्त विहीन गुट और माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान गोरखपुर फैजाबाद के अंतर्गत आने वाले समस्त 17 जनपदों के पार्टी पदाधिकारियों, संगठन पदाधिकारियों और समस्त शिक्षकों से सपा के घोषित एमएलसी उम्मीदवार को जिताने की अपील की गई। इस दौरान लाल बिहारी यादव और रामवीर सिंह, सपा जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, डॉक्टर मोहसिन खान, पूर्व महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम, अखिलेश यादव, राहुल यादव, काली शंकर, सुनील सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के एमएलसी पद से घोषित उम्मीदवार अवधेश कुमार यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी कार्यालय गोरखपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में गोरखपुर के शानदार जिला अध्यक्ष आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नगीना प्रसाद साहनी जी, गोरखपुर जिले के महामंत्री और आदरणीय हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहसिन खान साहब और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष एवं शिक्षक एवं चुनाव के समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री रामवीर सिंह, जितने भी सम्मानित शिक्षक हैं अपने गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले समस्त 17 जनपद में सभी शिक्षकों से और समस्त कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं से अपील करता हूँ कि आने वाले शिक्षक एवं शिक्षक के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश कुमार यादव के नाम के सामने एक लिखकर भारी मतों से विजयी बनाए। इसे निवेदन करते हैं, आज समाजवादी पार्टी एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्त विहीन गुट तथा माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश की संयुक्त प्रेस वार्ता शिक्षक एमएलसी चुनाव गोरखपुर फैजाबाद खंड के लिए की गई है, जिसमें पार्टी के समस्त पदाधिकारियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र में आने वाले समस्त 17 जनपदों के सम्मानित शिक्षकों से अपील की गई है कि आने वाले शिक्षक एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश कुमार यादव के नाम के सामने एक लिखकर भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे क्षेत्र के और प्रदेश के शिक्षकों की दिशा और दशा में सुधार हो सके और उनके लिए कल्याण का काम किया जा सके।